हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडिस्टार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली शुगर वाले मरीजों में अगर इस समय वायरल फीवर हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं जो कि छोटे एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उन्हीं की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वीडियो बनाते हैं जिससे उनका मदद हो सके। ठीक है, तो देखते हैं ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं भाई साहब। अगर शुगर का मरीज आ रहा है, आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, उसका शुगर वगैरह मेजर करेंगे। ठीक है, वैसे तो जायज़ सी बात है, शुगर का पेशेंट है तो शुगर की मेडिसिन तो खाता ही होगा। अगर उसको जो है फीवर 100+ जा रहा है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है, तो कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करना है। PCM 2 ml इंजेक्शन आता है, इंट्रामस्कुलर स्टेट लगाएंगे, मतलब एक ही लगाना है, वो बुखार को कंट्रोल कर देगा। एंड अब क्या है सर, वायरल फीवर तो चल रहा है, वायरस के कारण हो रहा है, लेकिन क्या है अभी के समय में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, मतलब मिक्स्ड फीवर हो जाता है, तो एंटीबायोटिक देना जरूरी है। अभी के समय में CB 625 एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोरोनेट होता है, इस सुबह शाम देते हैं, तो इस समय थोड़ा सा रिस्पांस ज़्यादा दिखा रहा है CB 625, इसको आप चला सकते हैं। एंड क्या है, फीवर वगैरह चढ़ता है, क्योंकि वायरल फीवर में फीवर बहुत तेज़ चढ़ता है, तो डोलो 650 देंगे, जिसमें PCM 650 mg है, TDS देंगे, मतलब तीनों टाइम देना, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, कंट्रोल करेगा। अब क्या है, गैस वगैरह ना बने, उसके लिए ओमेप्राजोल 20 mg सुबह शाम दे देंगे, आराम मिलेगा। ठीक है सर, अब क्या है, एल हिस्ट टैबलेट देंगे, ओडी देंगे, रात में एक देना है। एल हिस्ट में लियोसेट्रेजिन है, जिससे जुकाम वगैरह ना हो पाए, और ग्लाइकैंडियम देंगे अगर उसको जो है शुगर वगैरह ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो, या फिर मेटफार्मिन वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, एंटी मतलब शुगर की दवा देना है। ठीक है सर, एंड और जो भी सिम्टम्स दिख रहा है उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, और कुछ करना ही नहीं है। अगर फिर भी अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, बेझिझक पूछेंगे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को कंटिन्यू रखें। कभी कभी ऐसा होता है आपके क्लिनिक पर छोटे बच्चे आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो उनके डोज को एडजस्ट करने में, डोज को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए चिल्ड्रेन डिसीज एंड ट्रीटमेंट नाम से एक बुक लॉन्च कर दिए हैं, जो कि PDF ई-बुक है। जिस तरीके से मेरी पहली जो है दो बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं सभी PDF फॉर्म में, उसी तरीके से PDF ई-बुक है चिल्ड्रेन डिसीज एंड ट्रीटमेंट नाम से। इसमें जो है बच्चों की बीमारियों का, मतलब 75 से ज़्यादा बीमारियों का कारण, लक्षण, इलाज जो है डोज के साथ बताया गया है। इसमें जो है 3 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों के बारे में उल्लेख किया गया है, क्योंकि 12 साल के ऊपर जो है एडल्ट वाला डोज चलता है, एंड जो है 3 साल से पहले जो है आपको वीडियो वगैरह में बताया जाएगा कैसे क्या मैनेज करना है, आपको जो है बुक में नहीं बताया जा सकता था, क्योंकि वजन के हिसाब से ही 3 साल के नीचे दवाएं दी जाती है। इसमें आपको जो है बच्चों के संबंधित फाइलेरिया बीमारी का इलाज है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया एंड मेजल्स, मम्स, और बच्चा मिट्टी खाता है, कई बीमारियों का उल्लेख है, जिसमें मैं आपको बता ही दिया हूँ 75 से ज़्यादा बीमारियों का उल्लेख है। मात्र आपको ये PDF 99 रुपये में दिया जा रहा है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी PDF है, मतलब 99 रुपये में आपको 75 से ज़्यादा बीमारियों के बारे में जानने को मिल जाएगा, जिसमें डोज को कैलकुलेट करके लिखा गया है। ऐसी बुक अभी तक कोई भी लॉन्च नहीं किया था ऐसा हमें लगता है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर आप हमें हाई लिख करके मैसेज करोगे, उसके बाद नीचे लिख भी दोगे कि मुझे चिल्ड्रन डिसीज एंड ट्रीटमेंट बुक, तो हाँ हम आपको एक QR कोड प्रोवाइड करेंगे, उस पर आप जो है 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको बुक जो है तुरंत का तुरंत WhatsApp पर ही सेंड कर देंगे, क्योंकि PDF ई-बुक है, ये हार्ड कॉपी नहीं है कि आपको डिलीवरी करवाई जाएगी। तो ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्द से जल्द बाय करें। ओके,